फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और एक एक मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया।